हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो बिल्कुल नहीं रामायण किया। लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग के स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं। तो दोस्तों, आदिपुरुष मूवी ने अपनी रिलीज के साथ ही पूरे देश में कंट्रोवर्सी का एक ऐसा बम फोड़ा है जिसकी गूंज हमें काफी लंबे वक्त तक सुनाई देती रहेगी। वैसे तो यार, ये पूरी की पूरी फिल्म ही एकदम घटिया और वाहियात है, जिसमें दिखाई हर एक चीज एक बद्दे मजाक से कम नहीं है। लेकिन फिर भी इसकी एक चीज जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है और जिससे जनता भारी आक्रोश में है, वो है इसके चीप डायलॉग्स। ये कौन से डायलॉग्स हैं, ये तो अब तक आप सब जान ही गए होंगे। लेकिन अब इसके रिलीज के तीसरे दिन भारी विरोध के बाद इसके मेकर्स फाइनली बैकफुट पर आ गए हैं और उन्होंने ये फैसला लिया है कि जिन डायलॉग्स पर पब्लिक इतना नाराज हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वो अब इन डायलॉग्स को बदलेंगे और शायद से इस शुक्रवार या फिर शनिवार से हमें ये बदले हुए नए डायलॉग्स देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अब इस अनाउंसमेंट के बाद फिर से एक बार वही बड़ा सवाल उठता है कि क्या सच में मेकर्स जनता की भावनाओं का इतना सम्मान करते हैं? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मेकर्स की इन्हीं साजिशों का पर्दा फास करेंगे। तो आपसे हमारा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको ये सारी चीजें स्टार्टिंग से समझाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर मेकर्स इतने ही शरीफ होते तो जैसे ही इस फिल्म के फर्स्ट टीजर के बाद बवाल हुआ था और उसके बाद इन्होंने इसकी रिलीज भी 6 महीने आगे बढ़ा दी थी, उसी वक्त इनको ये सब चीजें बदल देनी चाहिए थी। लेकिन फ्रेंड्स, बदलते तो तब ना जब इनकी नीयत ठीक होती या फिर जब इनको एहसास होता कि इन्होंने कुछ गलत किया है। लेकिन फ्रेंड्स, उस समय भी ये लोग हर एक चैनल पर आकर बड़ी बेशर्मी से अपनी सफाई दे रहे थे कि हमने एक ऐसी रामायण बनाई है जिससे पूरा देश खुश हो जाएगा, पूरे देश को फक्र होगा। लेकिन फ्रेंड्स, अब जबकि ये मूवी रिलीज हो चुकी है और हम सब ने इस मूवी को देख लिया है, तो अब रिलीज के पहले दिन से ही फिर से इसके मेकर सब जगह आकर अपने आप को प्रभु श्री राम जी का सबसे बड़ा भक्त बता रहे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, सच तो ये है कि इन मेकर्स ने इस फिल्म को 6 महीने डिले ही इसलिए किया था ताकि फिर से ये लोग इसकी पूरी तरह से मार्केटिंग बना सके, अपनी पीआर टीम्स को उठा सके और एक सिस्टमेटिक में इस फिल्म का प्रचार प्रसार कर सके। इनको पहले से ही पता चल गया था कि इन्होंने क्या प्रोडक्ट बनाया है और इनको एहसास भी हो गया था कि ये मूवी ज्यादा लंबे समय तक थिएटर्स में नहीं चल पाएगी। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, उन चीजों को बदलने की बजाय इन्होंने ये सोचा कि 6 महीने में बहुत अच्छे से इसका पीआर करते हैं, इसकी मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग मंदिर जाएंगे, प्रभु श्री राम जी का भजन बनाएंगे, उनके गुणगान गाएंगे और इस तरह के इंटरव्यू देंगे कि पहले 3-4-5 दिन ऐसी पब्लिक टूट आए इस फिल्म पर कि इनके आधे से ज्यादा पैसे वहीं वसूल हो जाएं। फ्रेंड्स, अगर आप सोशल मीडिया को पास से फॉलो करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोगों को इन्होंने कितना सारा पैसा खर्च किया है ताकि पॉजिटिव रिव्यूज दे सके और फिल्म का काफी ज्यादा गुणगान कर सके। और हुआ भी यही, फिल्म के पहले दिन के बाद से ही बहुत सारे रिव्यूअर्स ने इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की और जय श्री राम बोल के इस फिल्म को चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। लेकिन फ्रेंड्स, मेकर्स भूल गए थे कि जनता जनता होती है, जनता जनार्दन सब समझती है, इसीलिए पहले दिन के पहले शो समाप्त होने के बाद ही पूरी जगह पर जनता का आक्रोश आ गया, रिएक्शंस आ गए और सब जगह ये पता चल गया कि ये किस तरह की मूवी मेकर्स ने बनाई है। इन सब चीजों को देखने के बाद ही बहुत ताज्जुब की बात है कि अब जब दर्शकों के सामने ये पूरी फिल्म आ चुकी है और उसके बाद ही पूरी जनता इतने ज्यादा गुस्से में है, लेकिन अभी भी मेकर्स को अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है और अभी भी ये जनता को ही मूर्ख समझ रहे हैं। दोस्तों, ये डायलॉग्स बदलना भी इनकी सिर्फ पैसा कमाने की एक निंजा टेक्निक है, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए कि ये क्या बोलकर ये डायलॉग्स बदल रहे हैं। मनोज मुंतशिर जो इसके लेखक हैं, जिन्होंने ये सारे डायलॉग्स लिखे हैं, देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया है इन डायलॉग्स को बदलने को लेकर। राम कथा से पहला पार्ट जो कोई सीख सकता है वो है हर भावना का सम्मान करना। सही या गलत समय के अनुसार बदल जाता है, भावना रह जाती है। मतलब फ्रेंड्स, आप समझ रहे हैं, अभी हम जिसे गलत बोल रहे हैं इनको लग रहा है कि वो समय के साथ बदल जाएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। आदि पुरुष में 4,000 से भी ज्यादा पंक्तियों के संवाद मैंने लिखे,
पांच पंक्तियों पर कुछ भावनाएं आहत हुईं। उन सैकड़ों पंक्तियों में जहां श्री राम का यशागान किया, मां सीता के सतीत्व का वर्णन किया, उनके लिए प्रशंसा भी मिलनी थी जो पता नहीं क्यों मिली नहीं। भैया प्रशंसा तो आप खुलकर मांग रहे हो, लेकिन वो जो पांच पंक्तियां जिनसे भावनाएं आहत हुई उनके लिए माफी नहीं मांग रहे हो। खैर आगे ये लिखते हैं, मेरे ही भाइयों ने मेरे लिए सोशल मीडिया पर अशोभनीय शब्द लिखे, वही मेरे अपने जिनकी पूज्य माताओं के लिए मैंने टीवी पर अनेकों बार कविताएं पढ़ी, उन्होंने मेरी ही माँ को अभद्र शब्दों से संबोधित किया। मैं सोचता रहा मतभेद तो हो सकता है, लेकिन मेरे भाइयों में अचानक इतनी कड़वाहट कहां से आ गई कि वो श्री राम का दर्शन भूल गए जो हर माँ को अपनी माँ मानते थे। शबरी के चरणों में ऐसे बैठे जैसे कौशल्या के चरणों में बैठे हों। हो सकता है 3 घंटे की फिल्म में मैंने 3 मिनट कुछ आपकी कल्पना से अलग लिख दिया हो। देख रहे हैं फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं ये कि हमारी कल्पना से अलग लिख दिया हो, गलत लिखा हो ये नहीं मान रहे, बल्कि हमारे ऊपर दोष दे रहे हैं कि हमारी कल्पना से अलग लिख दिया हो। खैर आगे बढ़ता हूँ, लेकिन आपने मेरे मस्तक पर सनातन द्रोही लिखने में इतनी जल्दबाजी क्यों की मैं जान नहीं पाया। क्या आपने जय श्री राम गीत नहीं सुना, शिवोहम नहीं सुना, राम सिया राम नहीं सुना? आदि पुरुष में सनातन की ये स्तुतियाँ भी तो मेरी ही लेखनी से जन्मी हैं। तेरी मिट्टी और देश मेरे भी तो मैंने ही लिखा है। तो भाई साहब आपने अगर लिखा है तो आपको उतना तारीफ भी मिली है, आपको हमने सर आंखों पर भी बिठाया है। आप आज जिस मुकाम पर हैं इसलिए हैं क्योंकि आपने वो लिखा था, लेकिन अब आपने कुछ गलत लिखा है तो वो भी आपको सुनना तो पड़ेगा। वो आप लेकिन मानने को तैयार ही नहीं है, आपको लग रहा है कि आपने एक बार कुछ अच्छे लिख लिए तो अब आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा भैया। ये आगे लिखते हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप मेरे अपने थे और रहेंगे, हम एक दूसरे के विरुद्ध खड़े हो गए तो सनातन हार जाएगा। हमने आदि पुरुष सनातन सेवा के लिए बनाई है जो आप भारी संख्या में देख रहे हैं और मुझे विश्वास है आगे भी देखेंगे। हाँ भैया सनातन का ठेका तो आपने ही लेकर रखा है, अगर सनातन की इतनी ही फिक्र थी तो क्यों श्री राम जी को फिल्म में भगवा वस्त्र नहीं पहनाया, क्यों माता जी सीता जी को इस तरह से आपने दिखाया, क्यों हर एक चीज इतनी गलत तरीके से दिखाई बताइए। अगर सनातन की ही आपको पड़ी थी तो हर एक चीज सही तरह से क्यों नहीं दिखाई। आगे लिखते हैं, ये पोस्ट क्यों, क्योंकि मेरे लिए आपकी भावना से बढ़के और कुछ नहीं है, मैं अपने संवादों के पक्ष में अनगिनत तर्क दे सकता हूँ। देख रहे हैं अनगिनत तर्क दे सकता हूँ, मतलब ये अभी भी मान रहे हैं कि इन्होंने जो डायलॉग्स लिखे हैं वो सही लिखे हैं, इसके पीछे ही अनगिनत तर्क भी दे सकते हैं, लेकिन इससे आपकी पीड़ा कम नहीं होगी। मैंने वो फिल्म के निर्माता निर्देशक ने निर्णय लिया है कि वो कुछ संवाद जो आपको आहत कर रहे हैं हम उन्हें संशोधित करेंगे और इसी सप्ताह वो फिल्म में शामिल किए जाएंगे। श्री राम आप सब पर कृपा करें, देख रहे हैं श्री राम आप सब पर कृपा करें, मतलब हमें जरूरत है कृपा की और पूरी कृपा तो इनको मिल चुकी है, मतलब प्रभु श्री राम जी ने पूरी कृपा सिर्फ मनोज भैया को ही दी है। वाह तो देखा फ्रेंड्स आपने, अभी भी इनको कितना घमंड है, इन्होंने जो भी लिखा है अनगिनत तर्क दे सकते हैं ये ऐसे थर्ड क्लास डायलॉग्स के लिए, लेकिन उन्हें ये गलत नहीं मान सकते, अपनी गलती मानकर उस जनता से माफी नहीं मान सकते जिन्होंने इन्हें अपनी आंखों पर बिठाया था। तो खैर फ्रेंड्स जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आदि पुरुष मूवी पूरी की पूरी ही अपने आप में एक अपराध है, ये कुछ डायलॉग्स तो इस अपराध का बस एक छोटा सा हिस्सा है जिसे बदलना बड़ा आसान है और मेकर्स ये आसान काम करके अपने आप को एक बहुत बड़ा राम भक्त दिखाना चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स ये मेकर शायद अब तक नहीं समझ पा रहे हैं कि इनकी असलियत अब पूरी जनता के सामने आ चुकी है, ये अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि कभी भी जनता के लिए सिर्फ ये डायलॉग्स दिक्कत थे ही नहीं, बल्कि आदि पुरुष पूरी की पूरी फिल्म ही दिक्कत है, क्योंकि इसने हर पल हमारे विश्वास हमारी आस्था हमारे आराध्य प्रभु श्री राम एवं अन्य सभी देवताओं हमारी रामायण का मजाक उड़ाया है। आदि पुरुष पूरी की पूरी फिल्म एक अपराध है और डायलॉग्स मात्र इस अपराध का एक बहुत छोटा हिस्सा है और मेकर्स इस छोटे से को बदलकर इस अपराध से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं समाप्त करता हूं आज का हमारा ये वीडियो, लेकिन जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी मेकर्स के इस डायलॉग्स बदलने वाले फैसले पर आपकी क्या राय है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।